Hello friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English. स्वागत है आपका इस चैनल पर ECLE के और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस ऑफ द टू है प्रेजेंट एंड टू है पास्ट. हमने बहुत सारे सेंटेंस बनाए थे और मैंने आपको सिखाया है आपको कैसे सेंटेंस बनाने हैं, कैसी प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको उस समय वाक्यों को बोलने हैं. लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के बीच में प्रैक्टिस सेशन ज़रूर लेकर आता हूं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, आपको हैबिट बन जाए इंग्लिश बोलने की, ट्रांसलेशन करने की, ताकि आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकें. सो स्वागत है आपके चैनल पर और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएँ. और जो मेरी इंट्रोडक्शन क्लास हैं जो हो चुकी हैं आप उन वीडियो को देखें ताकि आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकें. और जब आप सारी क्लासें देख लोगे, गाइडलाइन फॉलो करोगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा इंग्लिश स्पोकन की क्लास में. सो आज स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली वी हैव द वोकैबुलरी. हमारे पास मीनिंग है और फर्स्ट मीनिंग इज़ डैट अकेशिया. अकेशिया मीन्स होता है बबूल, आपने बबूल देखा होगा. सेकंड मीनिंग इज बम्बू. बम्बू मीन्स द बांस. गांव में बांस लगे रहते हैं, बड़े बड़े बांस लगे रहते हैं, वो क्या है वो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम बम्बू बोलते हैं. बम्बू मीन्स होता है बांस. ओके, थर्ड मीनिंग इज दैट इनकॉम्पिटेंट. इनकॉम्पिटेंट मीन्स होता है असक्षम. इनकॉम्पिटेंट थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आप बोलोगे तो आ जाएगा. इनकॉम्पिटेंट. इनकॉम्पिटेंट मीन्स होता है असक्षम. अगर स्पेलिंग की बात करें, समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, ENCOMPETENT. इनकॉम्पिटेंट मीन्स होता है असक्षम. नेक्स्ट मीनिंग इज दैट द राइट. राइट मीन्स होता है अधिकार. ओके, और लास्ट मीनिंग है आज की जिसका इंग्लिश नेम है मिनरल. मिनरल मीन्स होता है खनिज. जो खनिज पदार्थ होते हैं वो जमीन के नीचे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं. ओके, सो वी हैव द फाइव मीनिंग्स एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस मीनिंग्स एंड आज हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट जो सेंटेंस है जो प्रेजेंट और पास्ट के टू हैव वाले सेंटेंस हैं, फर्स्ट है हमारे पास अधिकार हैं या सरकार के पास खनिज था, किसान के पास बांस था, दीपक के चार भाई हैं और हमारा समाज था. तो हमारे पास शानदार जो सेंटेंसेस हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा सेंटेंस की प्रैक्टिस करने में, आपको सेंटेंस को बोलने में. क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते हो, जब इंग्लिश नहीं आते, जब उसको ट्रांसलेशन करते हो तो उसका अलग ही मज़ा रहता है. जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं ट्रांसलेशन करता था, जब मैं इंग्लिश पढ़ता था, इंग्लिश तो अभी भी पढ़ता हूँ, अभी मैं क्लास करता हूँ स्पोकन की, सर पढ़ाते हैं मुझे, तो जब मैं शुरुआत में पढ़ता था तो बहुत मज़ा आता था ट्रांसलेशन करने में क्योंकि इंग्लिश बिल्कुल आती नहीं थी. लेकिन जैसे मैंने बोला हमारे पास अधिकार है, मतलब क्या होगा, वी हैव राइट. हमारे पास अधिकार, और मैंने ट्रांसलेशन के लिए इसका हिंदी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग ही होता है, हमारे पास अधिकार है, ऐसा मुझे सेंटेंस बनाना है तो बहुत एक्साइटमेंट होता था, बहुत मज़ा आता था पढ़ने में उस टाइम पर. तो हमारे पास अधिकार है, हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं. तो ट्रांसलेशन मैं बता दूं, सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं क्योंकि लिखने में मुझे मज़ा आता है. इसके छह सेंटेंस बनाते हैं. हमारे पास अधिकार है, हमारे पास अधिकार है. ओके, वी हैव, हमारे मीन्स होता है वी. ओके, प्रेजेंट का वी के साथ हैव लगता है तो वी हैव राइट. वी हैव राइट, RIGST राइट. हमारे पास अधिकार नहीं है, हमारे पास अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है. क्या बनाएंगे भाई, वी हैव नॉट राइट. क्या हमारे पास अधिकार है, क्या हमारे पास अधिकार है, अधिकार है, क्या बनाएंगे, हैव बी राइट. क्या हमारे पास अधिकार नहीं है, अधिकार. आपको ध्यान से हिंदी और अंग्रेजी में बनाना है, हैव बी नॉट राइट. ओके, हमारे पास
अधिकार क्यों है भाई? जो लोगों के नागरिक के नागरिकों के पास अधिकार रहते हैं वह क्यों रहते हैं? तो हम क्या बना सकते हैं, वाई हैव बी राइट, लास्ट बनेगा हमारे पास अधिकार क्यों नहीं है, हमारे पास अधिकार क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। ओके क्या बनाएंगे भाई, वाई हैव वी नॉट राइट। ओके बहुत आसानी से हमने सेंटेंस को बना लिए। एक बार एक सेंटेंस मुझे अच्छा लगता है बनाने में, मेरे स्टाइल है। सो हमारे पास अधिकार है वी हैव राइट, हमारे पास अधिकार नहीं वी हैव नॉट राइट, क्या हमारे पास अधिकार है हैव बी राइट, क्या हमारे पास अधिकार नहीं हैव बी नॉट राइट, हमारे पास अधिकार क्यों है वाई हैव बी राइट, हमारे पास अधिकार क्यों नहीं वाई हैव बी नॉट राइट। तो ऐसे ही आप जल्दी जल्दी बोल सकते हैं सॉरी ओके सो आप बहुत जल्दी जल्दी भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है तो अपने आप स्पीड आपकी तेज हो जाती है। ओके सो हमारे पास अधिकार बना लिया, सरकार के पास खनिज था। ओके तो मैंने कल पास्ट में आपको पढ़ाया था सरकार के पास खनिज था, कैसे बनाएंगे, गवर्नमेंट हैड खनिज, मीन्स क्या होता है, मैंने मिनी लिखी है मिनरल, बोलिए गवर्नमेंट हैज गवर्नमेंट हैड मिनरल सॉरी सरकार के पास खनिज नहीं था, गवर्नमेंट हैड नॉट मिनरल, क्या सरकार के पास खनिज था हैड गवर्नमेंट मिनरल, क्या सरकार के पास खनिज नहीं था हैड गवर्नमेंट नॉट मिनरल, सरकार के पास कितना खनिज था हाउ मच हैड गवर्नमेंट मिनरल, सरकार के पास कितना खनिज नहीं था हाउ मच हैड गवर्नमेंट नॉट मिनरल। ओके बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शानदार तरीके से बिल्कुल बना सकते हैं, आई होप आप बनाओगे। किसान के पास बांस था, वी आर फार्मर्स फैमिली ओके किसान के पास बांस था, क्या बनाएंगे, किसान की मीनिंग क्या होती है फार्मर। ओके सो क्या बना, फार्मर हैड, ये लिखा है ना दिख रहा होगा, फार्मर हैड बंबू किसान के पास बांस नहीं था, क्या बनाएंगे, फार्मर हैड नॉट बंबू, क्या किसान के पास बांस था हैड फार्मर बंबू, क्या किसान के पास बांस नहीं था हैड फार्मर नॉट बंबू, किसान के पास क्यों बांस था Why had farmer bamboo? किसान के पास क्यों बांस नहीं था Why had farmer not bamboo? बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। दीपक के चार भाई थे, मैंने बोला था ना पास होने का सेंस आएगा, अंदर से भावना आएगी। दीपक के चार भाई हैं, दीपक हैज फोर ब्रदर, दीपक के चार भाई नहीं हैं, दीपक हैज नॉट फोर ब्रदर, क्या दीपक के चार भाई हैं हैज दीपक फोर ब्रदर, क्या दीपक के चार भाई नहीं हैं हैज दीपक नॉट फोर ब्रदर, दीपक के चार भाई क्यों हैं वाई हैज दीपक फोर ब्रदर। बिल्कुल आसानी से शानदार तरीके से बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से आसानी से हम सेंटेंस को बोल सकते हैं ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, यस आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ओके लास्ट आज का सेंटेंस है, हमारा समाज था, हमारा क्या था समाज था, समाज वी हैड कम्युनिटी या वी हैड सोसाइटी, हमारा समाज नहीं था वी हैड नॉट कम्युनिटी, क्या हमारा समाज था हैड वी कम्युनिटी, क्या हमारा समाज नहीं था हैड वी नॉट कम्युनिटी, हमारा समाज कहाँ था वेयर हैड वी कम्युनिटी, हमारा समाज कहाँ ना था वेयर हैड वी नॉट कम्युनिटी। तो बिल्कुल आसानी से शानदार तरीके से बिल्कुल सेंटेंस को हम बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ओके सो आज की एक क्लास थी, और मैं एक चीज़ और मैं बता दूँ, हर बार बताता हूँ ECLE के बारे में, ECLE आपका टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको वीडियोस या फिर रिकॉर्डिंग करनी है, जब आप रिकॉर्डिंग करोगे और इस पर ECLE पे आपको सेंड करना है सेंटेंस बनाने हैं। ओके तो मैं अभी तक आपको स्टार्टिंग में एक की छः सेंटेंस की प्रैक्टिस करा रहा था, तो मैं एक की छः सेंटेंस की प्रैक्टिस कराऊँगा, लेकिन उसके अलावा आपको आप मिक्स प्रैक्टिस करनी है, जैसे हम लोग मिक्स ग्रामर पढ़ेंगे, अभी आप मिक्स ग्रामर नहीं समझेंगे लेकिन बताऊंगा, जैसे आपको मिक्स क्या करनी है मिक्स प्रैक्टिस करनी है, आप कहीं से भी कोई भी सेंटेंस, ये छः सेंटेंस हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सेंटेंस हैं, इसमें से कहीं से भी उठा लो सेंटेंस, जैसे हमारे पास अधिकार क्यों नहीं है, बनाइए बोलो वाई हैड वी नॉट राइट, कोई भी उठा लो
किसान के पास कितना बांस था, हाउ मच हैड फार्मर क्या बंबू, सरकार के पास कहाँ खनिज है या कितना खनिज है, हाउ मच हैड गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, हाउ मच हैड गवर्नमेंट मिनरल, ओके बोलेंगे ना। तो हम ऐसे ही अब प्रैक्टिस करनी है, मेक सैंपल के तौर पर ऐसे आपको करनी है, कॉपी वॉपी रख देना। क्या वह बहादुर था, इज ही ब्रेव, वॉज ही ब्रेव, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, क्या उसके पास जमीन है, हैड ही लैंड, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, गाय का दूध सफ़ेद होता है, मिल्क ऑफ काउ इज वाइट, और इस प्रकार हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अगर और प्रैक्टिस करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है आप आईने के सामने खड़े होकर, और आपको ऐसे सेल्फ सेंटेंस बोल रहे हैं, और आपको मिक्स सेंटेंस बनाने हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं रट रहा हूँ, आपको मिक्स सेंटेंस बनाने हैं। तो ये तो स्टार्टिंग की प्रैक्टिस थी, जब मैं कुछ पढ़ाऊँगा तो आपको ये छः सेंटेंस की प्रैक्टिस तो मैं अवश्य कराऊँगा, क्यों कराऊँगा, ताकि आपको छः सेंटेंस बनाने आने लगे, उसके बाद हम मिक्स प्रैक्टिस भी साथ में करते रहनी चाहिए। तो आज की क्लास थी, आपको ये क्लास कैसे लगी, और हम इस वीक की लास्ट क्लास थी जो आज क्या है फ्राइडे है, ओके तो इस वीक की लास्ट क्लास थी, हम मिलेंगे संडे को, हो सकता है मैं सोच रहा हूँ कि एक संडे और सैटरडे एक स्पेशल वीडियो लाऊँ आपके लिए, कुछ भी किसी प्रकार की वीडियो हो सकती है, लेकिन एक कोर्स से संबंधित वीडियो नहीं होगी, तो आप वह वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ हो सकता है कल आपकी वीडियो आए, लेकिन कोर्स की नहीं आएगी, कुछ डिफरेंट वीडियो आएगी अलग से, ओके आपकी कोई टिप्स रह सकती है, मेरा एक्सपीरियंस रह सकता है, वो मुझे सोचना पड़ेगा कि स्पेशल वीडियो में आपके लिए क्या बनाएं। तो आपकी हो ये क्लास कैसे लगी, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ज़रूर से ज़रूर बताएं, और आपके जो भी सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपके पास एक ग्रुप है ECLE, इसका जो लिंक है आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, या फिर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मैं अपना यहाँ नंबर शेयर कर रहा हूँ, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी मेरा नंबर शेयर किया था, मेरा नंबर है 6264360776, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रकार की डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो, इस कोर्स के बारे में आपको जानना हो, फ्री कोर्स है, बिल्कुल फ्री, एक पैसा नहीं देना आपको, ओके तो YouTube पर, तो आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपकी किसी भी सुझाव हो, कुछ भी हो तो इस पर आप बता सकते हैं, और अगर आप फ़ोन नहीं कर सकते हैं, आपको फ़ोन नहीं करना, तो मुझे आप टेलीग्राम पर कोई भी क्वेश्चन हो तो वह क्वेश्चन डाल देना, ओके सो आज की क्लास के लिए आपका देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ये क्लास कैसी लगी, आप मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, मिलते हैं मंडे को, अपना खूब ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।